हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फर्स्ट इन्वेस्टमेंट एंड माय नेम इज शिवांश पसी। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पे ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का सेटअप क्या रह सकता है, सारी बातें करेंगे आज की वीडियो के अंदर। कल जो मैंने स्टॉक सजेस्ट करे थे बढ़िया परफॉर्म करे थे, इपका लैब बताया था 2105 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो बाय करिएगा, उसके ऊपर क्लोज ही नहीं करी तो वहां पर हमारे लिए कोई सेटअप जनरेट नहीं हुआ। हिंडालको पे शायद हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ बट वहां पर हम लोग अभी भी लॉस के अंदर ही होंगे आई गेस। बट इसके अलावा सारे स्टॉक्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, प्लस प्राज इंडस्ट्री आप लोगों को सजेस्ट करा गया था और उसके रिजल्ट्स बैड थे बट इवेंचुअली टेक्निकल एनालिसिस ने उसे फॉलो अप करा एंड हम लोगों को बढ़िया रिटर्न्स आज मिलते हुए देखने को मिले हैं। सो अब बात करते हैं कल कौन से बेटर स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं, क्या निफ्टी बैंक निफ्टी पे आज जो मूवमेंट आई है क्या वो दोबारा कवर अप कर सकती है, क्या मार्केट दोबारा इतनी अच्छी रैली कर सकती है, क्या यहाँ से दोबारा एक करेक्शन आ सकती है। सो बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टॉक्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसा कि अगर आप लोग नए लोग हैं और आप लोगों को मेरी प्रीवियस कुछ वीडियोस पे जो मैंने आप लोगों के साथ बात करी थी अगर आप लोगों को वो नहीं पता तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को मोस्ट टू इंपॉर्टेंट लिंक्स दिखने वाले हैं। पहला लिंक होगा जिस पे आप लोगों को एक गूगल फॉर्म दिया गया है, वो गूगल फॉर्म पे आप लोगों को अपनी ईमेल एड्रेस आपका नाम डालना, बिकॉज एवरी वीक संडे ऑनवर्ड्स जिसकी भी मेल आईडी मेरे पास होगी उन लोगों को एक रिसर्च रिपोर्ट, एक टेक्निकल एनालिसिस की रिसर्च रिपोर्ट मिलेगी एवरी संडे मॉर्निंग, जो कि नेक्स्ट वीक पे आप उस पर काम कर सकते हो। नेक्स्ट वीक के स्टॉक्स होंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस होगी, सेक्टर की एनालिसिस होगी, सारा कुछ होगा। सो वो रिसर्च रिपोर्ट अगर आप लोगों को चाहिए तो नीचे आप लोगों को फर्स्ट लिंक मिलेगा गूगल फॉर्म का, रिसर्च रिपोर्ट का। आप गूगल फॉर्म फिल करिए एंड आपको एवरी संडे वो रिसर्च रिपोर्ट आपके ईमेल पे मिलना स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट लिंक है एंजल ब्रोकिंग का। सो अगर आप लोगों ने अभी तक एंजल ब्रोकिंग के अंदर अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो अभी जाके करवाइए गाइस, इट्स द बेस्ट अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस और विद इन 5 मिनट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और 1 घंटे के अंदर आपके पास लॉगिन की क्रेडेंशियल्स आ जाएंगे। बेनिफिट ये है कि जून के महीने में 7 जुलाई तक आप लोगों को कोई भी ब्रोकरेज पे नहीं करनी है, आप 4 टाइम्स का मार्जिन ले सकते हैं वो भी डिलीवरी के स्टॉक्स पे, यस गाइस, और उस पर आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है 7 तारीख तक। सो यहां पर आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इन लोगों के पास एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है जो आप लोगों को कॉल्स तक प्रोवाइड करवाता है एंड रिसर्च रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करवाता है। इनका एक पूरा डॉक्यूमेंटेड सिस्टम बना हुआ है, एक सॉफ्टवेयर इनका बेस्ट है। अभी अकाउंट ओपन करवाइए और आप लोग फायदा उठा सकेंगे। 5 मिनट लगने हैं, मैंने एक वीडियो बना रखी है, वीडियो के एंड में आपको शो कर जाएगी, उसके बेसिस पे आप अपना देखकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। वेरियस अदर बेनिफिट्स आर देयर जो कि मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखी है, सो आप डेफिनेटली जाके चेक करिएगा। सो अब बात करते हैं अपने पहले स्टॉक के। पहला स्टॉक है हमारा इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट पे बाय करने की सलाह दी जा रही है आप लोगों को। कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक एक रेंज, एक कंसोलिडेशन के अंदर काम कर रहा था फ्रॉम 1 जनवरी टिल नाउ। सो इसने रिसेंटली अगर हम बात करें तो मे एंड के आसपास ही इसने क्लियर ब्रेकआउट दिया, एक क्लियर ब्रेकआउट दिया इंडिया सीमेंट ने, और कम से कम अगर हम बात करें तो 6 से 7 महीने तक ये कंसोलिडेट कर रहा था। इवेंचुअली इट गेव अ ब्रेकआउट, नीचे आया, रीटेस्ट करा, हल्का सा ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, इट क्रिएटेड अ डबल बॉटम। आफ्टर 7th मंथ ऑफ कंसोलिडेशन इट गेव अ ब्रेकआउट, इट गेव अ रीटेस्ट एंड इन रीटेस्ट इट फॉर्म्ड अ डबल बॉटम टाइप ऑफ सिनेरियो। इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी गाइस टू बाय दिस स्टॉक राइट अवे। स्टॉक का एंट्री लेवल मैंने बता दिया, थोड़ा सा एक हर्डल है अराउंड 190 के आसपास, तो हमें एक स्ट्रिक्ट 190.5 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, वी कैन गो फॉर अ बाय। 195 to 197 दो दिन के टारगेट्स हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हो सकता है तो वो ये कल इंट्राडे में भी आ जाए, बट अगर कल इंट्राडे में नहीं आता तो डेफिनेटली परसों तक आप लोगों को टारगेट्स दिखा सकता है। एंड आई थिंक अगर ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करते रहा तो ये अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इसका 210 रुपए का लेवल है उसे भी ब्रेक करके ऊपर जा सकता है। स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखेगा, इस पर हमें रेगुलर बेसिस पे ट्रेड्स देखने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बात करते हैं दूसरे स्टॉक की। सो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है ग्रीव्स कॉटन। ग्रीव्स कॉटन में आप लोगों को कल के ट्रेडिंग सेशन पे ले भी दिया था कि आप लोग आज बाय करके चल सकते हैं, आज भी हम लोगों को डेफिनेटली प्रॉफिट इसके अंदर दिख रहा है, बट आप तब भी इसे बाय करके चल सकते हैं बिकॉज इसने अभी तक मूवमेंट अच्छी दी नहीं है आज के ट्रेडिंग सेशन पे, तो शायद ये कल परसों के अंदर दे सकता है। अपॉर्चुनिटी अभी भी मिस नहीं हुआ गाइस, आप लोग इसे अभी भी बाय करके चल सकते हैं। क्लियरली आपको पता है यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, प्लस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एक फ्लैग
पैटर्न क्रिएट करा एक फ्लैग एंड पोल एंड इसका भी ब्रेकआउट देखने को मिला है। सो अभी करंट प्राइस है इसका 156-157 के आसपास। बाय चांस अगर कल 1 रुपया 1.5 रुपया भी नीचे मिलता है तो भी इसे एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना। अगर करंट लेवल पे भी ओपन होता है तो भी बाय करके चल सकते हो, बट अगर हैवी गैप अप खुलता है तो मैं सजेस्ट करूंगा तब बाय मत करना, ठीक है। स्टॉक अपने रेडार में रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी भी होल्ड करा हुआ है तो आप लोग इसे होल्ड करके रख सकते हैं। टारगेट्स आपकी स्क्रीन में विजिबल हैं, स्टॉप लॉस आपके साथ है, आप उन सब चीजों को मेंटेन करके स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। बात करते हैं अपने दूसरे स्टॉक की। सो हमारा थर्ड स्टॉक है MGL, महानगर गैस लिमिटेड। ये स्टॉक मैंने वीकली टाइम फ्रेम आप लोगों के सामने ओपन करा हुआ है। ये स्टॉक मेरे रेडार में मार्केट क्लोज होने के बाद आया, वरना ये स्टॉक मैं अभी भी बाय कर चुका होता। यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे एक ऊपर रेजिस्टेंस और नीचे एक सपोर्ट क्रिएट करा हुआ है। यहां पर आप लोगों को क्लियरली लग रहा है जिस लेवल से इसने एक अपमूव आना स्टार्ट करी है वो जैन 2017 का है। सो यानी कि ऑलमोस्ट इस बात को 4 साल हो चुके हैं, 4 साल से इस रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहा है। अब फाइनली इस रेंज का इसने एक ब्रेकआउट दिया, एक वीकली ब्रेकआउट दिया, बट अगर ये 1230 रुपए के ऊपर अपनी क्लोजिंग दे देता है वीकली क्लोजिंग, सो यहां पर एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। यहां से स्टॉक 150 से 200 रुपए तक ऊपर जा सकता है विद इन अ कपल ऑफ डेज। यस गाइज, विद इन अ कपल ऑफ डेज। सो यहां पर अभी करंट प्राइस है इसका 1265 रुपीज का, थोड़ा सा ऊपर है, डेफिनेटली थोड़ा सा ऊपर है क्योंकि मेरे रेडार में नहीं आ पाया आज के ट्रेडिंग सेशन पे। बट अगर कल इस पे डिप मिलती है, बाय चांस 10-15 रुपए भी नीचे मिलता है, तो एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना स्टॉक को। मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकआउट आया ये सस्टेन करेगा और यहां पर एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो कोई भी डिप मिलती है या करंट लेवल्स पे भी दिखता है तो कुछ कुछ क्वांटिटीज ऐड करते रहना, ये नहीं कि इसी करंट लेवल पे आपको सारी क्वांटिटीज पे ट्रेड ले लेना है। बाय चांस अगर आपको इसी लेवल पे मिलता है 10 क्वांटिटीज ले ली, 20 ले ली, अगर हल्की सी डिप देती है तो और ऐड कर लिया, और डिप देता है तो और ऐड कर लिया, बट इवेंचुअली मुझे लगता है ये स्टॉक आप लोगों को यहां से 200 रुपए की मूवमेंट 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर बहुत इजीली दे देगा। स्टॉक अपने रेडार में रखिएगा, स्टॉप लॉस बता दिया गया आप लोगों को, ये स्टॉक कुछ बवाल कर सकता है। सो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ। हमारा नेक्स्ट स्टॉक है पराग मिल्क। पराग मिल्क आप लोगों को मैंने अपने प्रीवियस 2 दिन पहले आप लोगों को स्टॉक सजेस्ट करा था कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, बट कल हम लोगों ने देखा था गैप डाउन ओपनिंग हुई बिकॉज इस पर रिजल्ट्स बुरे थे, बट आज के ट्रेडिंग सेशन पे उसे रिकवर भी करा और ऊपर जाके भी इसने क्लोजिंग दी है। यहां पर ये स्टॉक टेक्निकल एनालिसिस पे एक्चुअल पे बहुत ज्यादा बुलिश है। अगर आप यहां पर देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1 साल से ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन के अंदर काम कर रहा था, एक चैनल के अंदर काम कर रहा था। इवेंचुअली इसने मे पे एक ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट करा, हम दोबारा ऊपर जा रहा है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। टारगेट्स इसके आपको ऊपर दिख रहे होंगे 160 से 170 के बीच पे है। डेफिनेटली आप लोग लास्ट टारगेट 170 तक होल्ड मत करेगा, 160 के आसपास दिखे तो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दीजिएगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करना स्टार्ट कर दीजिएगा। अब ये जो टारगेट है ये कैसे आया, अगर आप देखेंगे तो यहां पर एक सप्लाई जोन है और ये सप्लाई जोन पे आ सकता है ये पर्टिकुलर स्टॉक और यहां से शायद दोबारा नीचे आ जाए, तो हमारे टारगेट्स ये होंगे, उसके बाद हम लोग अपनी पोजिशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री लेवल आपको दे रखा है, अगर कल आपको डिप भी मिलती है 1-2 रुपए की तो भी बाय कर सकते हैं, अगर इसी लेवल पे दिखता है तो भी बाय कर सकते हैं, स्टॉक आप लोगों को बढ़िया रिटर्न दे देगा विद इन अ कपल ऑफ डेज, ओके। सो बात करते हैं अपने लास्ट स्टॉक की। सो हमारा लास्ट स्टॉक है डिक्सन। डिक्सन टेक्नोलॉजी पे आप लोगों को मैं बाय करने की सलाह दे रहा हूं। यहां पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में चार्ट्स के अंदर चल क्या रहा है। यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले मैंने एक रेड कलर की लाइन आप लोगों के सामने ड्रॉ करी हुई है जो कि यहां पर रेजिस्टेंस था एंड यहां पर रेजिस्टेंस था। स्टॉक ने करा क्या, एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट करा एंड उसके बाद एक हैंडल क्रिएट करा, सो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्म करा। कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म करने के बाद हम लोगों ने देखा एक ब्रेकआउट आया था। इस ब्रेकआउट पे पहले मेरे ध्यान पे नहीं आया था, बट मैंने अब देखा क्या हुआ, एक फॉल्स ब्रेकआउट आया, कंटिन्यूसली स्टॉक नीचे आया। अगर नीचे आना होता तो अब तक बहुत तेजी से नीचे आ चुका होता, बट हुआ क्या, बड़ी कैंडल से बिल्कुल छोटी 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 कैंडल्स बनना स्टार्ट हुई, मतलब जो सेलिंग प्रेशर हायर लेवल पे था वो बिल्कुल कम होना स्टार्ट हो गया। बड़ी कैंडल से बिल्कुल छोटी छोटी कैंडल्स, उसके बाद 3 दिन इनडिसाइसिव कैंडल बनना स्टार्ट हुई और इवेंचुअली आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर एक बुलिश कैंडल बन गई। इसका इंडिकेशन क्या है, जो हायर लेवल पे सेलिंग प्रेशर था वो पूरा जा चुका है, बायर्स दोबारा री एंटर कर रहे हैं इस रेड कलर की ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का। सो यहां पर एक हायर अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं स्टॉक के अंदर। यहां पर आप देखिएगा कि एक ट्रायंगल पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, डेफिनेटली अगर आप ये देखिएगा ये एक ट्रायंगल पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है कि एक ट्रायंगल पैटर्न का इवेंचुअली यहां पर सपोर्ट लेके एक ब्रेकआउट देने की दोबारा तैयारी कर रहा है। सो यहां पर मुझे लगता है अब ब्रेकआउट जो आएगा
वो एक रिलायबल होगा और सस्टेन्ड होगा। सो डिक्सन टेक्नोलॉजी पे आप बाय कर सकते हैं, मैंने पर्सनली खुद बाइंग इस पे बना रखी है एंड आई पर्सनली थिंक ये स्टॉक आप लोगों को बेटर रिटर्न दे सकता है। एमजीएल को छोड़ के जो भी मैंने स्टॉक्स के बारे में आज बात करी है वो सारे स्टॉक्स मेरे पास हैं। एमजीएल में बाय नहीं कर पाया, मैं उसे डेफिनेटली बाय करूंगा। इसके अलावा गाइज अगर आप लोगों को हमारी प्रेजेंटेशन पसंद आ रही है सो प्लीज थम्स अप, हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स एम फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर्स विद इन दिस मंथ और इस वीडियो पे लेट्स एम फॉर 1000 लाइक्स। ठीक है गाइस, तो बात करते हैं आप लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की, किस तरीके से अप्रोच करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है। सो चलते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी के ट्रेड सेटअप पे। आई होप आप लोगों को रिमेम्बर होगा कि यही वाला बिल्कुल ट्रेडिंग सेटअप मैंने आप लोगों को कल की वीडियो पे भी बताया था, कुछ इस तरीके की प्रेजेंटेशन ही थी। सो यहाँ पर आप लोगों को इजी रहेगा समझने में कि मैं क्या बता रहा हूँ। ये निफ्टी का चार्ट ओपन है आप लोगों के सामने, आपको ऑलरेडी पता है कि निफ्टी की क्लोजिंग हुई थी एग्जैक्ट इस लेवल पे। मैंने बोला था यहाँ पर एक डबल टॉप टाइप सिनेरियो है, अगर एक गैप डाउन खुलता है और स्टैंड लाइन के नीचे जाना स्टार्ट करता है आप लोग एक शॉर्ट बना सकते हैं, बट अगर ऊपर जाता है तो कोई भी ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। मैंने आपको वाली बात बोली थी कि अगर ऊपर जाता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। निफ्टी के अंदर मैं डेफिनेटली ट्रेड के बारे में सोच सकता हूं बट मैं बाइंग नहीं करूंगा कल के ट्रेडिंग सेशन पे, रीजन मैंने आपको बता दिया था। और आज भी आप देख सकते हो कि पूरे दिन मार्केट क्या रही, पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड रही। लेट मी शो यू, ये देख रहे हैं पूरे दिन मार्केट एक रेंज बाउंड रही है, ना ऊपर थमी से जा पाई ना नीचे जा पाई, एक गैप अप ओपन हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहां पर एक रेंज के अंदर ही पूरे दिन मार्केट ने घुसा रही है। सो अब क्या करना है, यहां पर आपको देखना है कि अगर कल एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, मैं कह रहा हूं 50 रुपए की भी हो, 30 रुपए की भी हो, 40 रुपए की भी हो, बट अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो शॉर्ट करना है। गैप अप ओपनिंग होती है तो हम लोग 15,920 के ऊपर बाय करेंगे, 15,920 के ऊपर बाय करेंगे, 15,980 का टारगेट होगा, 16,000 का नहीं 15,980 का टारगेट होगा। बट अगर गैप डाउन खुलता है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां से ये पर्टिकुलर प्रोबेबली स्टॉक 15,750 से लेकर 15,780 तक आ सकता है। सो निफ्टी को आप लोग देख सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। सो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। यहां पर आप लोगों को सबसे पहले एक टॉप पे एक लाइन दिख रही होगी रेड कलर की, वो हमें इंडिकेट कर रही है कि वहां पर एक हायर साइड में रेजिस्टेंस है जो कि बैंक निफ्टी को क्रॉस करने में मुश्किल आ रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन पे भी वही इसका हाई था एंड उसके बाद दोबारा नीचे आ गया था। अब यहां पर हुआ कि आज के ट्रेडिंग सेशन पे ये एक हम लोगों ने गैप अप ओपनिंग देखी एंड उसके बाद ये भी एक रेंज के अंदर ही कंसोलिडेट करता रहा। मतलब शुरुआत की 15 मिनट की जो कैंडल बनी है, 15 या आधे घंटे की कैंडल बनी है, उसी पे ही पूरे दिन मार्केट रेंज बाउंड रही है। सो रेंज बाउंड रहने के बाद मैंने इसका बॉटम ले लिया एंड इसका टॉप एग्जैक्ट वही था जो कि 35,310 रुपीज का है। सो करना क्या है, रेंज के नीचे हमें शॉर्ट करना है, रेंज के ऊपर हमें लॉन्ग जाना है। इतनी बात आप लोग समझ गए, रेंज के नीचे हम शॉर्ट करेंगे एंड रेंज के ऊपर हम लोग लॉन्ग करेंगे। अब यहां पर एक कंसेप्ट आ सकता है कि शायद अगर कल यहां से नीचे गिरना स्टार्ट होता है तो इधर से बाइंग आ जाए, हो सकता है इधर से बाइंग आ सकती है, बट एक पैटर्न भी यहां पर डेवलप हो रहा है, एक शार्प अप मूव। शार्प अप मूव के बाद आप देख सकते हैं कि ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है ऑन अ 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। सो हो सकता है कि शायद इस रेड एंड शोल्डर पैटर्न को ये रिस्पेक्ट करे और यहां से नीचे आना स्टार्ट कर दे। बट मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखा है कि अगर मार्केट बुलिश है और एक बियरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है तो ये इसके प्रोबेबिलिटी टारगेट्स को रीच करने की बहुत ज्यादा कम हो जाती है। सो यहां पर मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि वो नीचे ब्रेक करेगा तो ज्यादा जल्दी से नीचे जाएगा, बट अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है 35,130 को और 15 मिनट की कैंडल इस रेड लाइन के नीचे क्लोज होती है या ऊपर वाली रेड लाइन के ऊपर क्लोज होती है तो हम लोग अपनी पोजिशन ले सकते हैं ऑन बैंक निफ्टी। निफ्टी अभी रेंज बाउंड है, निफ्टी हल्के हल्के 1-2, 10-10, 20 रुपये ऊपर करके बढ़ रहा है क्योंकि वहां पर एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है 16,000 का, तो वहां पर निफ्टी पे अभी ऊपर जाने के चांसेस थोड़े से लिमिटेड है। बट अगर ये वाला लेवल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ब्रेक होता है बैंक निफ्टी का तो शायद इस पर मूवमेंट पे 150 से 200 पॉइंट दे दे, तो यहां पर हम तब इसका फायदा उठाएंगे नीचे की एट द मनी की और या फिर इन द मनी की हम लोग पुट को शॉर्ट करके। ठीक है, सो यहां पर हम लोग अपनी स्ट्रैटेजी उस हिसाब से बिल्ड कर लेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होंगी। थैंक यू गाइस फॉर लिसनिंग दिस होल वीडियो, आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आया होगा। एंजल ब्रोकिंग पे जाके अभी अकाउंट ओपन करवाइए, वेरियस बेनिफिट्स है जो आप लोगों को बता नहीं सकता, इतना कुछ वो दे रहे हैं गाइस। प्लस अगर आप लोग मेरी रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को गूगल फॉर्म मिल रहा है, उसे जाके फिल करिए और आप लोग एवरी वीकेंड आप लोगों को रिसर्च रिपोर्ट हमारी तरफ से फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ से प्रोवाइड होना स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू गाइस, मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ। सो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ एंड मुझे प्यार देती जाइए। सो गाइस थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट।